साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारिस डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाडे द्वारा निर्मित। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम सरवण ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे। साजन ने 18 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। निर्देशक लारेस डिसूजा द्वारा निर्मित, सुधाकर बोकाडे द्वारा लिखित, रीमा राकेश नाथ अभिनीत, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, रीमा लागू। संगीत दिया है नदीम सरवण, समीर। छायांकन लारेस डिसूजा द्वारा संपादित, ए आर राजेंद्रन द्वारा वितरित। इरोस एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991। कार्यकारी समय 193 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 18 करोड़। बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया। श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं। आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित, लचीला, शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है, जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलतापूर्वक प्रकाशित होती है और पेंसिल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य क्षमताओं के साथ प्यार करती है और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है, जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है। एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है। उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूते पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था, लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए, मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उस है उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं।
धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है और उसका भाई वास्तव में सागर है। जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है, आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ, और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उपद्रव बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। कास्ट: श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त। वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपनी कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित, जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान, आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है। वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान, कमला वर्मा अमन और आकाश की माँ के रूप में रीमा लागू, एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त उमी और लक्ष्मीकांत बर्दे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में अंजना, मुमताज श्रीमती सक्सेना पूजा की माँ के रूप में दिन हिंगू, श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में यूनुस परवेज, अनीस साहब एक प्रेस संपादक के रूप में, पूजा के भाई के रूप में राजू श्रेय, तीज सरप्रू वेहरा के रूप में एक स्थानीय गुंडे जो तो प्यार है गीत में दिखाई देता है, विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में पंकज उदास ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में लारिस डिसूजा देखता है कि पगली पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2 दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवण द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू, जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। साजनिया 1991, शैली फीचर फिल्म, साउंड ट्रैक लंबाई 48.20, लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब, निर्माता निर्देशक नदीम सरवण, मेरा दिल भी कितना पागल है कुमार सानू, अलका याग्निक, बहुत प्यार करता है एसपी बाला सुब्रमण्यम, देखा है पहली बार एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम।
बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल, तुमसे मिलने की तमन्ना है एसपी बाला सुब्रमण्यम अलका याग्निक, तू शायर है अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे पंकज उदास, पहली बार मिले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिए तो जिए कैसे सोलो एसपी बाला सुब्रमण्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल में भी पागल है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारेश डिसा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार, अनुराधा पौडवाल बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारेश डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाडे द्वारा निर्मित। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम सरवन ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे। साजन ने 18 करोड़ की कमाई की दुनिया भर में, यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। निर्देशक लारेश डिसूजा द्वारा निर्मित, सुधाकर बोकाडे द्वारा लिखित, रीमा राकेश नाथ अभिनीत, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, रीमा लागू, संगीत दिया है नदीम सरवन, समीर, छायांकन लारेश डिसूजा द्वारा संपादित, ए आर राजेंद्रन द्वारा वितरित, इरोस एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991, कार्यकारी समय 193 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 18 करोड़। बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया। श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं। आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित, लचीला, शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है, जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलतापूर्वक प्रकाशित होती है और पेन सेल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य क्षमताओं के साथ प्यार करती है और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है, जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है।
एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है। उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूते पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था, लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए, मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है और उसका भाई वास्तव में सागर है। जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है, आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उपद्रव बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त, वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपनी कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित, जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान, आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है। वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान, कमला वर्मा अमन और आकाश की माँ के रूप में रीमा लागू, एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त उमी और लक्ष्मीकांत बर्दे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में अंजाना, मुमताज श्रीमती सक्सेना पूजा की माँ के रूप में दिन हिंगू, श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में यूनुस परवेज, अनीस साहब एक प्रेस संपादक के रूप में, पूजा के भाई के रूप में राजू श्रेय, तीज सरप्रू वेहरा के रूप में एक स्थानीय गुंडे जो तू प्यार है गीत में दिखाई देता है, विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में, पंकज उदास
ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में लारिस डिसूजा देखता है कि पगली पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। दो दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू, जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उधास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। साजन लिया 1991 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 48.20 लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब। निर्माता निर्देशक नदीम सरवन नदीम सरवन मेरा दिल भी कितना पागल है, कुमार सानू, अलका याग्निक, बहुत प्यार करता है, एसपी बाला सुब्रमण्यम। देखा है पहली बार एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम। बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल, तुमसे मिलने की तमन्ना है, एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, तू शायर है, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे, पंकज उदास। पहली बार मिले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिए तो जिए कैसे सोलो एसपी बाला सुब्रमण्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल भी पागल है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारिस डिसूजा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार, अनुराधा पौडवाल बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारिस डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाड़े द्वारा निर्मित। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेबड़े के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम सरवन ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे। साजन ने 18 करोड़ की कमाई की दुनिया भर में। यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। निर्देशक लारिस डिसूजा द्वारा निर्मित, सुधाकर बोकाड़े द्वारा लिखित, रीमा राकेश नाथ अभिनीत, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेबड़े, रीमा लागू। संगीत दिया है नदीम सरवन, समीर, छायांकन लारिस डिसूजा द्वारा संपादित, AR राजेंद्रन द्वारा वितरित, ईरोस एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991।
कार्यकारी समय 193। मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 18 करोड़। बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया। श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं। आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित लचीला शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है, जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलतापूर्वक प्रकाशित होती है और पेंसिल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य क्षमताओं के साथ प्यार करती है और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है, जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है। एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है। उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूते पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था, लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उस है? उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है और उसका भाई वास्तव में सागर है, जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है। आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उपद्रव बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी
उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। काश श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त, वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपने कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित, जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान, आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है। वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान, कमला वर्मा अमन और आकाश की माँ के रूप में रीमा लागू, एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त उमी और लक्ष्मीकांत बर्दे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में अंजना, मुमताज श्रीमती सक्सेना पूजा की माँ के रूप में दीन हिंगू, श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में यूनुस परवेज, अनीस साहब एक प्रेस संपादक के रूप में, पूजा के भाई के रूप में राजू श्रेय, तीज सरप्रू वेहरा के रूप में एक स्थानीय गुंडे जो तू प्यार है गीत में दिखाई देता है, विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में पंकज उदास ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में लारिस डिसूजा देखता है कि पगली पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2 दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवण द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज़ अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। साजन लिया 1991, शैली फीचर फिल्म, साउंड ट्रैक लंबाई 48.20, लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब, निर्माता निर्देशक नदीम सरवण, मेरा दिल भी कितना पागल है कुमार सानू, अलका याग्निक, बहुत प्यार करता है एसपी बाला सुब्रमण्यम, देखा है पहली बार एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम, बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल, तुमसे मिलने की तमन्ना है एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, तू शायर है अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे पंकज उदास, पहली बार मिले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिए तो जिए कैसे सोलो एसपी बाला सुब्रमण्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल में भी पागल है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारिस डिसूजा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार, अनुराधा पौडवाल बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारिस डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाडे द्वारा निर्मित। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम सरवण ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे। साजन ने 18 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। निर्देशक लारेस डिसूजा द्वारा निर्मित, सुधाकर बोकाडे द्वारा लिखित, रीमा राकेश नाथ अभिनीत, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, रीमा लागू, संगीत दिया है नदीम सरवण, समीर, छायांकन लारेस डिसूजा द्वारा संपादित, ए आर राजेंद्रन द्वारा वितरित, इरोस एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991। कार्यकारी समय 193 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 18 करोड़। बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया। श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं। आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित, लचीला, शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है, जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलतापूर्वक प्रकाशित होती है और पेन सेल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य क्षमताओं के साथ प्यार करती है और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है, जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है। एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है। उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूते पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था, लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए, मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उस है उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं।
धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है और उसका भाई वास्तव में सागर है। जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है, आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ, और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उपद्रव बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। कास्ट: श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त। वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपने कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित, जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान, आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है। वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान, कमला वर्मा अमन और आकाश की माँ के रूप में रीमा लागू, एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त उमी और लक्ष्मीकांत बर्दे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में अंजना, मुमताज श्रीमती सक्सेना पूजा की माँ के रूप में दीन हिंगू, श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में यूनुस परवेज, अनीस साहब एक प्रेस संपादक के रूप में, पूजा के भाई के रूप में राजू श्रेय, तीज सरप्रू वेहरा के रूप में एक स्थानीय गुंडे जो तो प्यार है गीत में दिखाई देता है, विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में पंकज उदास ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में लारिस डिसूजा देखता है कि पगली पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2 दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू, जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। साज इंडिया 1991, शैली फीचर फिल्म, साउंड ट्रैक लंबाई 48.20, लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब, निर्माता निर्देशक नदीम सरवन, मेरा दिल भी कितना पागल है कुमार सानू, अलका याग्निक, बहुत प्यार करता है एसपी बाला सुब्रमण्यम, देखा है पहली बार एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम।
बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल, तुमसे मिलने की तमन्ना है एसपी बाला सुब्रमण्यम अलका याग्निक, तू शायर है अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे पंकज उदास, पहली बार मिले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिए तो जिए कैसे सोलो एसपी बाला सुब्रमण्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल में भी पागल है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारेश डिसा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार, अनुराधा पौडवाल बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारेश डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाड़े द्वारा निर्मित। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम सरवन ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे। साजन ने 18 करोड़ की कमाई की दुनिया भर में। यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। निर्देशक लारेश डिसूजा द्वारा निर्मित, सुधाकर बोकाड़े द्वारा लिखित, रीमा राकेश नाथ अभिनीत, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, रीमा लागू, संगीत दिया है नदीम सरवन, समीर, छायांकन लारेश डिसूजा द्वारा संपादित, ए आर राजेंद्रन द्वारा वितरित, इरोस एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991, कार्यकारी समय 193 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 18 करोड़। बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया। श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं। आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित, लचीला, शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है, जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलता पूर्वक प्रकाशित होती है और पेन सेल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य समताओं के साथ प्यार करती है और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है, जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है।
एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है। उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूते पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था, लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उस है? उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है और उसका भाई वास्तव में सागर है, जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है। आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उपद्रव बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। कास्ट: श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त। वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपने कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित, जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान। आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है, वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान। कमला वर्मा अमन और आकाश की मां के रूप में रीमा लागू। एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त उमी और लक्ष्मीकांत बर्दे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में अनजाना। मुमताज श्रीमती सक्सेना पूजा की मां के रूप में दिन हिंगू। श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में यूनुस परवेज। अनीस साहब एक परेश संपादक के रूप में पूजा के भाई के रूप में राजू श्रेष्ठ। तीज सरप्रु वेहरा के रूप में एक स्थानीय गुंडे जो तू प्यार है गीत में दिखाई देता है। विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में पंकज उदास
ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में लारिस डिसूजा देखता है कि पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। दो दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू, जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उधास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। साजन लिया 1991 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 48.20 लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब। निर्माता निर्देशक नदीम सरवन। मेरा दिल भी कितना पागल है, कुमार सानू, अलका याग्निक, बहुत प्यार करता है, एसपी बाला सुब्रमण्यम। देखा है पहली बार, एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम। बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल, तुमसे मिलने की तमन्ना है, एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, तू शायर है, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे, पंकज उदास। पहली बार मिले हैं, एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिए तो जिए कैसे सोलो, एसपी बाला सुब्रमण्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल में भी पागल है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारिस डिसूजा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार, अनुराधा पौडवाल, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारिस डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाडे द्वारा निर्मित। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम सरवन ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे। साजन ने 18 करोड़ की कमाई की दुनिया भर में। यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। निर्देशक लारिस डिसूजा द्वारा निर्मित, सुधाकर बोकाडे द्वारा लिखित, रीमा राकेश नाथ अभिनीत, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, रीमा लागू। संगीत दिया है नदीम सरवन, समीर। छायांकन लारिस डिसूजा द्वारा संपादित, AR राजेंद्रन द्वारा वितरित। इरोस एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991।
कार्यकारी समय 193 मिनट। देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 18 करोड़। बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया। श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं। आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित लचीला शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है, जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलतापूर्वक प्रकाशित होती है और पेन सेल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य क्षमताओं के साथ प्यार करती है और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है, जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है। एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है। उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूतों पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था, लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उस है उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है और उसका भाई वास्तव में सागर है, जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है। आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उपद्रव बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी
उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। काश श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त, वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपनी कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान, आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है। वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान, कमला वर्मा अमन और आकाश की माँ के रूप में रीमा लागू, एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त उमी और लक्ष्मीकांत बर्दे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में अनजाना मुमताज, श्रीमती सक्सेना पूजा की माँ के रूप में दीन हिंगू, श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में यूनुस परवेज, अनीस साहब एक प्रेस संपादक के रूप में, पूजा के भाई के रूप में राजू श्रेय, तीज सरप्रू वेहरा के रूप में एक स्थानीय गुंडे जो तू प्यार है गीत में दिखाई देता है, विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में पंकज उदास ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में लारिस डिसूजा देखता है कि पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2 दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। साजन लिया 1991, शैली फीचर फिल्म, साउंड ट्रैक लंबाई 48.20, लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब, निर्माता निर्देशक नदीम सरवन, मेरा दिल भी कितना पागल है कुमार सानू, अलका याग्निक, बहुत प्यार करता है एसपी बाला सुब्रमण्यम, देखा है पहली बार एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम, बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल, तुमसे मिलने की तमन्ना है एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, तू शायर है अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे पंकज उदास, पहली बार मिले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिए तो जिए कैसे सोलो एसपी बाला सुब्रमण्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल भी पागल है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारिस डिसूजा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार, अनुराधा पौडवाल बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारिस डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाड़े द्वारा निर्मित। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम सरवण ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे। साजन ने 18 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। निर्देशक लारेस डिसूजा द्वारा निर्मित, सुधाकर बोकाड़े द्वारा लिखित, रीमा राकेश नाथ अभिनीत, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, रीमा लागू। संगीत दिया है नदीम सरवण, समीर। छायांकन लारेस डिसूजा द्वारा संपादित, ए आर राजेंद्रन द्वारा वितरित। इरोस एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991। कार्यकारी समय 193 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 18 करोड़। बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया। श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं। आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित, लचीला, शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है। जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलतापूर्वक प्रकाशित होती है और पेंसिल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य क्षमताओं के साथ प्यार करती है और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है। एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है। उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूते पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था। लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए, मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उस है? उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं।
धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है और उसका भाई वास्तव में सागर है। जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है, आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उपद्रव बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त, वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपने कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित, जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान, आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है। वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान, कमला वर्मा अमन और आकाश की माँ के रूप में रीमा लागू, एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त उमी और लक्ष्मीकांत बर्दे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में अंजना, मुमताज श्रीमती सक्सेना पूजा की माँ के रूप में दीन हिंगू, श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में यूनुस परवेज, अनीस साहब एक प्रेस संपादक के रूप में, पूजा के भाई के रूप में राजू श्रेय, तीज सरप्रू वेहरा के रूप में एक स्थानीय गुंडे जो तू प्यार है गीत में दिखाई देता है, विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में पंकज उदास ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में लारिस डिसूजा देखता है कि पगली पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2 दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवण द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज़ अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू, जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। साजन लिया 1991, शैली फीचर फिल्म, साउंड ट्रैक लंबाई 48.20, लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब, निर्माता निर्देशक नदीम सरवण, मेरा दिल भी कितना पागल है कुमार सानू, अलका याग्निक, बहुत प्यार करता है एसपी बाला सुब्रमण्यम, देखा है पहली बार एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम।
बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल, तुमसे मिलने की तमन्ना है एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, तू शायर है अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे पंकज उदास, पहली बार मिले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिए तो जिए कैसे सोलो एसपी बाला सुब्रमण्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल में भी पागल है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारेश डिसा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार, अनुराधा पौडवाल बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारिस डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाडे द्वारा निर्मित। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम सरवण ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे। साजन ने 18 करोड़ की कमाई की दुनिया भर में। यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। निर्देशक लारेश डिसूजा द्वारा निर्मित, सुधाकर बोकाडे द्वारा लिखित, रीमा राकेश नाथ अभिनीत, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, रीमा लागू, संगीत दिया है नदीम सरवण, समीर, छायांकन लारेश डिसूजा द्वारा संपादित, ए आर राजेंद्रन द्वारा वितरित, इरोस एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991, कार्यकारी समय 193 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 18 करोड़। बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया। श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं। आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित, लचीला, शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है, जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलता पूर्वक प्रकाशित होती है, और पेंसिल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य क्षमताओं के साथ प्यार करती है, और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है, जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है।
एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है। उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूते पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था, लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उस है उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है और उसका भाई वास्तव में सागर है, जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है। आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उपद्रव बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। कास्ट: श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त। वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपनी कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित, जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान। आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है। वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान। कमला वर्मा अमन और आकाश की माँ के रूप में रीमा लागू। एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त उमी और लक्ष्मीकांत बर्दे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में अंजना। मुमताज श्रीमती सक्सेना पूजा की माँ के रूप में दीन हिंगू। श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में यूनुस परवेज। अनीस साहब एक प्रेस संपादक के रूप में। पूजा के भाई के रूप में राजू श्रेय। तीज सरप्रू वेहरा के रूप में एक स्थानीय गुंडे जो तू प्यार है गीत में दिखाई देता है। विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में। पंकज उदास
ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में लारिस डिसूजा देखता है कि पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। दो दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवण द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू, जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उधास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। साजन लिया 1991 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 48.20 लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब। निर्माता निर्देशक नदीम सरवण नदीम सरवण मेरा दिल भी कितना पागल है, कुमार सानू, अलका याग्निक, बहुत प्यार करता है, एसपी बाला सुब्रमण्यम। देखा है पहली बार एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम। बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल, तुमसे मिलने की तमन्ना है, एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, तू शायर है, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे, पंकज उदास। पहली बार मिले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिए तो जिए कैसे सोलो, एसपी बाला सुब्रमण्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवण, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल में भी पागल है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारिस डिसूजा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार, अनुराधा पौडवाल, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारिस डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाड़े द्वारा निर्मित। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेबड़े के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम सरवण ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे। साजन ने 18 करोड़ की कमाई की दुनिया भर में। यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। निर्देशक लारिस डिसूजा द्वारा निर्मित, सुधाकर बोकाड़े द्वारा लिखित, रीमा राकेश नाथ अभिनीत, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेबड़े, रीमा लागू। संगीत दिया है नदीम सरवण, समीर। छायांकन लारिस डिसूजा द्वारा संपादित, AR राजेंद्रन द्वारा वितरित। इरोस एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991।
कार्यकारी समय 193। देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 18 करोड़। बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया। श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं। आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित लचीला शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है, जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलतापूर्वक प्रकाशित होती है और पेंसिल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य क्षमताओं के साथ प्यार करती है और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है, जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है। एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूते पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था, लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उस है? उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है और उसका भाई वास्तव में सागर है, जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है। आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उपद्रव
बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। काश श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त, वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपने कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान, आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है। वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान, कमला वर्मा अमन और आकाश की माँ के रूप में रीमा लागू, एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त उमी और लक्ष्मीकांत बर्दे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में अंजना, मुमताज श्रीमती सक्सेना पूजा की माँ के रूप में दिन हिंगू, श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में यूनुस परवेज, अनीस साहब एक प्रेस संपादक के रूप में, पूजा के भाई के रूप में राजू श्रेय, तीज सरप्रू वेहरा के रूप में एक स्थानीय गुंडे जो तू प्यार है गीत में दिखाई देता है, विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में पंकज उदास ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में लारिस डिसूजा देखता है कि पगली पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2 दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवण द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। साजन लिया 1991, शैली फीचर फिल्म, साउंड ट्रैक लंबाई 48.20, लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब, निर्माता निर्देशक नदीम सरवण, मेरा दिल भी कितना पागल है कुमार सानू, अलका याग्निक, बहुत प्यार करता है एसपी बाला सुब्रमण्यम, देखा है पहली बार एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम, बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल, तुमसे मिलने की तमन्ना है एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, तू शायर है अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे पंकज उदास, पहली बार मिले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिए तो जिए कैसे सोलो एसपी बाला सुब्रमण्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवण, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल में भी पागल है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारिस डिसूजा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार अनुराधा पौडवाल,
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारिस डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाडे द्वारा निर्मित। इसमें माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान, कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम श्रवण ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे। साजन ने 18 करोड़ की कमाई की दुनिया भर में। यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। निर्देशक लारेस डिसूजा द्वारा निर्मित, सुधाकर बोकाडे द्वारा लिखित, रीमा राकेश नाथ अभिनीत, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कादर खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, रीमा लागू। संगीत दिया है नदीम श्रवण, समीर। छायांकन लारेस डिसूजा द्वारा संपादित, ए आर राजेंद्रन द्वारा वितरित। इरोस एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991। कार्यकारी समय 193 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 18 करोड़। बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया। श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है। आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं। आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित, लचीला, शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है। जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलतापूर्वक प्रकाशित होती है और पेन सेल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है। धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य क्षमताओं के साथ प्यार करती है और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है, जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है। एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है। उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूतों पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था, लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए, मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है
और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उस है? उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है, क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे। और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है और उसका भाई वास्तव में सागर है। जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है, आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ, और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है, और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है, और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उत्तर बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है, और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। कास्ट: श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त। वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपनी कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित, जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान, आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है। वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान, कमला वर्मा अमन और आकाश की माँ के रूप में रीमा लागू, एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त उमी, और लक्ष्मीकांत बरदे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में अंजना, मुमताज श्रीमती सक्सेना पूजा की माँ के रूप में दीन हिंगू, श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में यूनुस परवेज, अनीस साहब एक प्रेस संपादक के रूप में, पूजा के भाई के रूप में राजू श्रेय, तीज सरप्रू वेहरा के रूप में एक स्थानीय गुंडे जो तू प्यार है गीत में दिखाई देता है, विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में पंकज उदास ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में लारिस डिसूजा देखता है कि पगली पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2 दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू, जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए
नामांकित किया गया। साजन लिया 1991 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 48.20 लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब निर्माता निर्देशक नदीम सरवन मेरा दिल भी कितना पागल है कुमार सानू अलका याग्निक बहुत प्यार करता है एसपी बाला सुब्रमण्यम देखा है पहली बार एसपी बाला सुब्रमण्यम अलका याग्निक जिए तो जिए कैसे कुमार सानू अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल तुमसे मिलने की तमन्ना है एसपी बाला सुब्रमण्यम अलका याग्निक तू शायर है अलका याग्निक जिए तो जिए कैसे पंकज उदास पहली बार मिले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम जिए तो जिए कैसे सोलो एसपी बाला सुब्रमण्यम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवन बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल भी पागल है सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारेश डिसा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार अनुराधा पौडवाल बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम साजन एक 1991 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लारेश डिसूजा द्वारा निर्देशित और सुधाकर बोकाड़े द्वारा निर्मित इसमें माधुरी दीक्षित संजय दत्त और सलमान खान कादर खान रीमा लागू लक्ष्मीकांत बेबड़े के साथ सहायक भूमिकाओं में नदीम सरवन ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि समीर ने उनके बोल लिखे साजन ने 18 करोड़ की कमाई की दुनिया भर में यह 1919 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई निर्देशक लारेश डिसूजा द्वारा निर्मित सुधाकर बोकाड़े द्वारा लिखित रीमा राकेश नाथ अभिनीत संजय दत्त माधुरी दीक्षित सलमान खान कादर खान लक्ष्मीकांत बेबड़े रीमा लागू संगीत दिया है नदीम सरवन समीर छायांकन लारेश डिसूजा द्वारा संपादित AR राजेंद्रन द्वारा वितरित ईरोस एंटरटेनमेंट रिलीज की तारीख 30 अगस्त 1991 कार्यकारी समय 193 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बॉक्स ऑफिस 18 करोड़ बचपन के दौरान अमन एक बिगड़ा हुआ और लंगड़ा अनाथ है जो सौभाग्य से श्री वर्मा के नेतृत्व वाले एक बहुत अमीर परिवार द्वारा अपनाया गया श्रीमती वर्मा का एक बेटा है जिसका नाम आकाश है आकाश और अमन बड़े होकर भाई बनते हैं आकाश का व्यक्तित्व अधिक देखभाल रहित लचीला शानदार है और वह एक सड़क के किनारे रोमियो और एक महिला में बदल जाता है जबकि अमन बड़े होकर एक गंभीर किस्म का व्यक्ति है और उसे शानदार कविताएं लिखने का शौक है जो सफलतापूर्वक प्रकाशित होती है और पेंसिल सागर के नीचे बेस्ट सेलर्स में बदल जाता है धीरे धीरे अमन शहर भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो जाता है और
उसके लाखों प्रशंसक हैं। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना के नाम से एक बहुत युवा महिला है, जो अक्सर अपनी मूर्ति सागर के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए पत्र लिखती है। अपने पत्रों में वह लिखती है कि वह उसकी कितनी प्रशंसा करती है और उसको उसकी काव्य क्षमताओं के साथ प्यार करती है, और यहाँ तक कि संभव हो तो एक दिन उससे मिलने की इच्छा रखती है, जो वह करती है लेकिन उसे पहचानती नहीं, लेकिन वह उसे पहचानती है। एक दिन भाग्य के एक मोड़ के रूप में आकाश के अलावा कोई भी पूजा से मिलता नहीं है। उसके साथ प्यार में ऊंची एडी के जूते पर सिर गिरता है। जब आकाश निजी रूप से अमन से मिलता है तो वह अपने बड़े भाई अमन को समझाता है कि इस बार वह वास्तव में प्यार में है, और पूजा की एक तस्वीर का खुलासा करता है। अमन इस बात से हैरान और हिला हुआ है, क्योंकि वह भी पूजा के साथ प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर था, लेकिन अब अपने भाई की मदद करने के लिए, मदद की कोशिश में उसकी भावनाओं को खारिज करने के लिए अमन सागर को पोज देने के लिए आकाश को सुझाव देता है। इस बिंदु पर आकाश को नहीं पता कि उसका भाई अमन सागर के नाम से कविता करता है। जब आकाश ऐसा करता है तो पूजा को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और उसे बहुत खुशी होती है कि वह अपनी मूर्ति से मिल चुकी है। क्या वह जानती है कि सागर के रूप में प्रस्तुत करने वाला आकाश उस है? उसे पता नहीं है कि अमन अपने छोटे भाई के लिए अपने प्यार का त्याग कर रहा है। एक असुरक्षित और दिल तोड़ने वाला अमन दिखता है, क्योंकि वह जानता है कि बहुत से प्रशंसक उसकी कविता को पसंद करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुलकर सामने नहीं आएंगे, और जब वे अपने विकलांग को देखते हैं तो उनसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे आकाश एक कवि के रूप में प्रस्तुत करते हुए वास्तव में थक जाता है। वह कई बार लाइनों को गड़बड़ कर देता है। साथ ही आकाश को पता चलता है कि अमन वास्तव में पूजा से प्यार करता है, और उसका भाई वास्तव में सागर है, जो पंकज उदास के शो से शुरू होने वाली घटनाओं के माध्यम से होता है। आकाश काफ़ी हिम्मत जुटाता है और उसके होश में आता है कि क्या चल रहा है। फिर वह अमन का सामना करता है उपरोक्त सभी के साथ, और फिर अमन स्वीकार करता है कि वह पूजा से प्यार करता है। पूजा इस मुठभेड़ की गवाही देती है, और उसके बाद अमन कबूल करता है कि वह पूजा से बहुत प्यार करती है। पूजा छिपकर बाहर आती है, और आकाश और अमन दोनों से परेशान हो जाती है, और एक भावात्मक उन्माद में अपना घर छोड़ देती है। इस बारे में उलझन में पूरा उपद्रव बाद में वह अमन के साथ मिलती है और उसे बताती है कि वह अभी भी उसे नहीं भूल सकती और वह उसे प्यार करती है। यदि उसने सच्चाई का खुलासा किया होता कि वह सागर है, और उसके कंधे पर वह बहुत रोता। आखिरकार आकाश पूजा और अमन को एकजुट करने का फैसला करता है, और पूजा के लिए अपने प्यार का बलिदान करता है। काश श्री और श्रीमती वर्मा के दत्तक पुत्र अमन के रूप में संजय दत्त, वह मेहनती है और गरीबों की मदद करते हैं। वह अपनी कलम नाम सागर के तहत कविता लिखते हैं। एक किताब की दुनिया की दुकान की मालिक पूजा सक्सेना के रूप में माधुरी दीक्षित, जिसे अमन की सागर व्यक्तित्व से प्यार हो जाता है। राजीव वर्मा के छोटे बेटे आकाश वर्मा के रूप में सलमान खान, आकाश को पूजा से प्यार हो जाता है। वैसा ही राजीव वर्मा और अमन आकाश के पिता के रूप में कादर खान, कमला वर्मा अमन और आकाश की माँ के रूप में रीमा लागू, एकता सोहानी मेनका के रूप में आकाश की दोस्त
ओमी और लक्ष्मीकांत बेर्दे लक्ष्मी वर्मा के सेवक के रूप में, अंजना मुमताज श्रीमती सक्सेना पूजा की माँ के रूप में, दिन हिंगू श्री लालचंद वर्मा के व्यापार भागीदारी के रूप में, यूनुस परवेज अनीस साहब एक प्रेस संपादक के रूप में, पूजा के भाई के रूप में, राजू श्रेय तीज सरप्रू वेहरा के रूप में, एक स्थानीय गुंडे जो तू प्यार है गीत में दिखाई देता है, विकास आनंद इंस्पेक्टर के रूप में, पंकज उदास ने खुद गीत जिए तो जिए कैसे में, लारिस डिसूजा देखता है कि पल्ली गीत में एक विशेष उपस्थिति। स्वागत। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 2 दशकों के बाद निर्देशक ने फिल्म की अगली कड़ी बनाने की योजना बनाई। गीत संगीत संगीत नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था। गीत के साथ समीर और फैज अनवर थे। यह एल्बम वर्ष की सबसे अधिक बिक्री वाला बन गया। फिल्म में नदीम सरवन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। कुमार सानू, जिन्होंने संजय दत्त के किरदार के लिए गाया, उन्होंने फिल्म मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने भी एल्बम में अपनी आवाज़ दी। सभी गायकों को फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। साज इंडिया 1991, शैली फीचर फिल्म, साउंड ट्रैक लंबाई 48.20, लेवल वीनस रिकॉर्ड और टैब, निर्माता निर्देशक नदीम सरवन, मेरा दिल भी कितना पागल है कुमार सानू, अलका याग्निक, बहुत प्यार करता है एसपी बाला सुब्रमण्यम, देखा है पहली बार एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम, बहुत प्यार करता है अनुराधा पौडवाल, तुमसे मिलने की तमन्ना है एसपी बाला सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, तू शायर है अलका याग्निक, जिए तो जिए कैसे, पंकज उदास, पहली बार मिले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिए तो जिए कैसे सोलो एसपी बाला सुब्रमण्यम। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक नदीम सरवन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने मेरा दिल में भी पागल है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुधाकर भोकड़े, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लारिस डिसूजा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजय दत्त, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ गीतकार समीर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है, पंकज उदास ने जिए तो जिए कैसे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक अलका याग्निक ने दिखा है पहली बार अनुराधा पौडवाल, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।